वेलकम बैक खुदीनो हजरात, वक्त हुआ है ब्लूपर्स और कंधे मुकर्रर का, आइए देखते हैं। सर आप ऐश्वर्या को एक्टर नहीं समझते? ऐश्वर्या का जिक्र किस और मैंने कब कहा कि मैंने एक्टर नहीं समझता? नहीं, वो भी तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जैसे ये देवदास में। भजन उसने बात की और देवदास में मैंने उसे माधुरी के बाद ही ग्रेड किया। सही है, सबने माधुरी ने बहुत अच्छा काम किया। नोपम खीर दे बांदर, नोपम खेर हुंदा, खीर किधरों? नोपम खेर, खीर क्यों? मैंने दस तू खीर क्या, क्यों क्यों मिस हो गया? खीर क्या? तेरी तबीयत गवाल मंडिया ना हुई? गवाल मंडेला इतना खीर? अरे मैंने खीर कहा है, गधे खीर इन्हें की क्या भाई? खीर खीर क्या ना, अनुपम खीर, अनुपम खीर। अच्छा मैंने शर्त ला लो जो मैं खीर क्या होवे, खीर क्या होवे, ये मैं खीर क्या होवे। ये तो आप सुन रहे, वहां नहीं सुन रहे, अनुपम अनुपम जफरी साहब, अनुपम क्या हो गया? मैंने कब कहा है भाई? मैंने आपको नहीं कहा, जफरी साहब को कहा। हां तो उधर के हैं। कल हम किसी जगह पे बैठे हुए थे तो मेरे एक दोस्त का बेटा, वो कहता है नई फिल्म आ रही है रजनी खान की। रजनी खान और लोग बड़ी देर तक राजन मूर कहते हैं। राजन मूर, मूर मूर्ख, राजन मूर, जेम्स बॉन्ड वाला जेम्स। एक मैं तोड़ा बेकरी ठीक नहीं करा सकिया, एक तोड़ा जेम्स ठीक नहीं करा सकिया, मेरे हाथ खड़े। अरे बब्बू राणा साहब जेड़े ना, इन्हां दे जेड़े चाचा जी सन, वह बड़े दुनिया के ढिले ते स्लो आदमी सन। अच्छा वो एक दफा गड्डिया दी रेस ते चले गए, उन्होंने कहा जी दुनिया का जेड़ा सब तो स्लो ते सुस्त आदमी ना उन्हें पहला इनाम दिता जाएगा। ये चाचा जी गड्डी च बैठे ने, रेस शुरू हुई, शो करके स्पीड ना गड्डी गई, ठा जा के सामने कान च बज गई। उन्होंने कहा तू एडा नलायक आदमी है कि भी तेनू क्या दुनिया के सुस्त आदमी की रेस है, तू एडी तेज निकल गए। यदा चाचा कहता जी रेस से पैर आया, मैं क्या हूँ की चुकना भाजी? ये पूरे साल का ब्लूपर है। नहीं सर, उन्होंने कहा दुनिया का सब तो सुस्त आदमी है, पहला इनाम दियो। दिस इज नॉट अ ब्लूपर, इट्स अ सुपर डुपर ब्लूपर। मेरा लखा रुपये का लतीफा घूम हो कर गए हो तुसी सारे। अच्छा जफरी खान, तू साढ़े तो इंतकाम कादा लिया? अरे जिहड़ा वाटर मोटरसाइकिल हुंदा, वाटर मोटरसाइकिल नहीं हुंदा, स्कूटर हुंदा है। पुत्री एक भी गल सीधी है दस यार। वेलकम बैक जी काशा। बदिनो रात तो काशा चुके अपने बनाव सिंगार में मसरूफ हैं, चुनाचे गुफ्तगु का आगाज करते हैं। हम आज एक ऐसी तोप का जिक्र कर रहे हैं यहाँ का, आपके सामने का। कैफी भाई आपने बचपन में, कैफी भाई आपने उसने ये कब किया? ये करना सी तो अड़े खौफ ना नहीं कर रहा। अच्छा मैं सर आपको बताऊं, आपने जब से मुझे कहा है ना कि शीशे के आगे तुमने वो हाँ, उसकी वजह से काफी बेहतरी आई है। ये सवेरे सवेरे उठ के शीशे के सामने खलो जाता है, एक दिन शीशे चो चपेड़ पई है, टॉ किसने मारी? अच्छा ये नहीं पता चला किसने मारी। पानी बड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे पुनू करन दे ना, अच्छी गल है। फोन ते भी अक्सर उर्दू बोल रहा होंदा, चेहरे ते एक नूर आंदा जा रहा है, उनकी टिंड च ऐसी चमक आ रही है। पुन्नू बड़ा नैश है जी, मेरी बीवी ने उन्हें 50 रुपए दिते, ऐसा हाथ च 50 रुपए ऐसे, कहती टमाटर लाया प्याज लाया, अद्धे घंटे बाद वापस आ गए। बीवी कहती की होया? कहता मैं भूल गया कि टमाटर कि 50 का लेना, प्याज कि 50 का लेना। यानी कि तुम नहीं यार बोल रहे हो, दिलों हंस के तो उत्तों मुंह सख्त कर रहे हो। मैं बाकी थोड़ी देर लिए बेहोश हुआ। खबर है कि घोड़े पर बैठकर हवाई फायरिंग करने वाला जाली एयरपोर्ट गिरफ्तार। हेलो, ये यकीनन पाकिस्तान का ही वाक्य है ना? जी पाकिस्तान कराची औरंगी टाउन। अरे एयरपोर्ट आया बाबा, साइड पे और ठा मावा खाएगा पुन मावा खा रहा ठा ठा ठा, मतलब क्या है यार कहता है। वो कहता है मेरी महबूबा को जी अर्तुरल बहुत फैसिनेट करता है। वो अर्तुरुल है, तुम एक फुलतुरुल से हो। तो घोड़े पे बैठा हुआ साथ फायरिंग कर रहा है और उसके घर के आगे से गुजरा, पुलिस ने काबू कर लिया। वो तो कह रहा सी मैं हलीमा नु मिलने आया, मैं कहा पहले बेटा एसएचओ नु मिले तेरा। वैसे हमारे यहाँ अर्तुरुल के हवाले से या ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ है या पापड़।
सर मैं एक रेहड़ी वेखी है काई फूड के ना तो चौल बंदा बेच रहा है लैक्सा च पाइया नाल अरतूल की फोटो लाई तो लोग उ रश बैठा एक तो उसकी शोहरत बहुत है दूसरा रेवरेंस हाँ जी हाँ जी लोग उसकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करते अच्छा अभी सीजनली चीजें होती है मौसमी चीजें ये पांच चार साल बाद अरतूल याद भी नहीं रहना किसी को आपने कभी असली तलवार देखी जी जी मेरे दादा के पास थी उनकी अभी वो आप अक्सर जिक्र करते हैं हाँ जी हाँ जी वो हजे भी पई फैसलाबाद ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਮਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢੁੱਡ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਕਰਾ ਈਦ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਵਾਰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਿਦਾਸਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੋਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਊਠ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਐਂ ਜੋਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟੈਬ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਖੂਨ ਵਹਿਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਤੁਮ ਵੀ ਉਸਕੀ ਟਾਂਗੇ ਬੰਦ ਹੋਗੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕੰਜੇ 'ਚ ਜੋੜਾਂਗਾ हेलमेट पवावगा वो क्यों ढुड ना मार सके अभी से ये नहीं पता कि उसके सींग है हेलमेट कैसे आएगा यार ये तो सोचे ही नहीं अच्छा हेलमेट मैं तो पा सकता मैं पहले हेलमेट से सुराख करा लाऊं तो सींग फिट कर दें तो फायदा क्या हुआ क्योंकि सींग तुम्हारे कैसा अहमक है नहीं सर तलवार हूँ इस्तेमाल तो करनी ना फिर उतना कुकड़ शुकड़ वाढ लवा कुकड़ की गर्दन उड़ा दोगे मैं कुकड़ की गर्दन उड़ाई और लभी ही नहीं तो फिर वो तो ज़िबा ही नहीं हुआ वो तो हराम हो गया कुकड़ किधर गया फिर कुकड़ मैं कहना लभी नहीं वो खाली है यहीं करके डिग पिया उसे बेचारे बबू आपने कभी घोड़े की सवारी की नहीं वैसे कभी इत्तफाक नहीं हुआ सच्ची मुची मैंने आज तक घोड़े की सवारी नहीं की पता नहीं कोई चक्कर है घोड़ा दौड़ता हुआ बहुत खूबसूरत सर चीता भी बहुत दौड़ता है लेकिन घोड़े के अंदर अल्लाह ने जो हुस्न रखा ना भागते का फिरारी क्या भागती होगी जो घोड़ा भागता है और मैं हमेशा एक शॉट का तस्करा करता हूँ द मैसेज शुरू होती है ना वाँ। चार वाँ। घोड़े वो मैसेंजर्स इधर उधर फैलते हैं सुभान अल्लाह क्या शॉट है वो डायरेक्टर्स शॉट है वो फैसल साहब वर्गे भी तुर्की ड्रामे जो होते दूरों नंग रहे होते पिछों अच्छा ड्रामा खत्म हो गया नहीं सर उसके बहुत सारे सीजन अभी भी चल रहा है वंस अ वीक है वो पीटीवी में सेवन डेज मैं भी सुनया बंदा कोई भी पूरा ड्रामा नहीं वेख सकता बिच मर जांदा तो पहले सजाए मौत दे कैदी नू कहंदे ने तेरी आखिरी ख्वाहिश तो कहंदा मैनू सरंगी सिखा दे सारी उम्र नहीं सीख सकते हां हुण अगले नवी मिसाल दिंदे ओ मेरी आखिरी ख्वाहिश कहंदा मैं अरतुगरुल वेखणा और मैं सारे सीजन वेखने ने तीसरे सीजन तो बाद सीधा तुर्की जांदा आहू हला मचकदा आवाज भी करनी अच्छा मैंने सुना उकाशा ने भी कोई डबिंग की है घोड़े की डबिंग असर नहीं लग मैं 66 किस्तां देखियां मैं कहा ये नहीं मुकना बाद चो मैं पता लगा 666 तो भी ज्यादा मैं सोना फोन बंद किया अनसबसक्राइब किया मैं अजकल सोच रहा भी तुर्की के सफीर नू जाके मिला यह की हरकत तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़ ना से मैंने अनसब्सक्राइब किया था अर्धूर अधिकार